यह कहानी मेहंदीपुर गांव की एक लड़की सरिता की है, जिसे बनठन कर रहने का बहुत शौक था। वो कभी खुले बाल करके घूमती, कभी सिंगार करके घूमती। उसकी माँ ने उसे बहुत बार मना किया, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे खेलने गई। खेलने के बाद वह वापस घर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को सरिता की माँ उसके कमरे में आती है तो देखती है कि सरिता एक कोने में खड़ी होकर दीवार को घूर रही है। उनको ये सब अजीब लगा। उन्होंने सरिता को अपने पास बुलाया और सोने के लिए कहा। कुछ दिनों तक सरिता अजीब अजीब हरकतें करने लगी, लेकिन किसी ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, तब सरिता के दादा, जिनका निधन कुछ साल पहले ही हो चुका था, वह सरिता की माँ के कमरे में गए और एक डंडे से सरिता की माँ के हाथ पर हल्के से मारा और कहा कि अपनी बेटी को जाकर देख क्या हाल है उसका। सरिता की माँ की आंखें खुली। उन्होंने इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम होगा और वो फिर से सो गई। फिर कुछ देर बाद सरिता के दादा ने जोर से सरिता की माँ के हाथ पर डंडे से मारा। वो एकदम से उठ गई और देखा कि सामने दादाजी खड़े हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि सरिता की हालत जाकर देख, और वो ये कहकर गायब हो गए। सरिता की माँ घबरा गई और अपने पति को उठाया और उन्हें सारी बात बताई। दोनों भागकर सरिता के कमरे में गए और देखा कि सरिता बेड पर पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर अकड़े हुए हैं और मुंह खुला हुआ है। ये देखकर दोनों घबरा गए और उन्होंने आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसे एक भगत के पास ले गए। भगत के पास ले जाकर सरिता को भगत के सामने बैठा दिया गया। भगत ने सरिता की तरफ देखा और कहा, इस पर गंदी चुड़ैल का साया है जो इसकी बालों की खुशबू से इसके पीछे पड़ गई है। यह बात सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए और भगत से अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कहने लगे। भगत बोला कि इसे कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी भगत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस मंत्र का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। भगत ने फिर से कोशिश की और मंत्र तंत्र पढ़े, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। थक हार कर भगत ने सरिता की तरफ गुस्से से देखा और कहा, कौन है तू और इसे क्यों नहीं छोड़ रही। तभी सरिता के शरीर से एक आवाज आई, अगर तू जानना चाहता है कि कौन हूँ मैं, तो कल रात नदी किनारे आ जाना और मुझे बांधने के लिए जो तेरे बस की है वो ले आना। ये कहकर सरिता बेहोश हो। अगली रात भगत नदी किनारे जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि सरिता वहीं खड़ी है। बाबा को आते देखकर सरिता मुस्कुराती है और कहती है, आ गया तू, दिखा मुझे अपने मंत्र तंत्र की शक्ति और बांध ले मुझे। भगत ने बहुत कोशिश की, बहुत से तंत्र मंत्र पढ़े, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सरिता उसको देखकर हंसती रही। थक हार कर भगत ने कहा, कौन है तू? तू कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है, तू कोई और ही है। सरिता कहती है, एक बार फिर से कोशिश कर। भगत कोशिश करता रहा और कुछ देर बाद उसे सब समझ आ गया। वह कहता है, हाँ मैं समझ गया, तू कौन है? तू जिन है, क्योंकि मेरी शक्तियों को काटने की किसी आत्मा या भूत प्रेत में शक्ति नहीं है। सरिता कहती है, समझ गया तो बोल, मेरे साथ मंत्रों से खेलेगा, देखते हैं तुझ में ज्यादा शक्ति है या मुझ में। भगत ने कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, लेकिन तू लड़की के अंदर है, लड़की से बाहर आ और अपना असली रूप दिखा, तब तुझे अपनी शक्तियाँ दिखाता हूँ। भगत की बातों में आकर जिन सरिता के शरीर से बाहर आ गया और जैसे ही जिन बाहर आया, भगत ने अपनी शक्तियों से बांध लिया। जिन हैरान रह गया और बोला, ये क्या किया तूने? भगत ने कहा, तुझे क्या लगा, मुझे कुछ नहीं पता था कि तू कौन है। मैं सब जानता था, लेकिन इसलिए कुछ नहीं किया कि तू उस लड़की के शरीर के अंदर था। अगर मैं तुझे निकालता तो तू इस लड़की को तकलीफ देता। यह सुनकर जिन हैरान रह गया और अपनी आजादी की भीख मांगने लगा।
जिनकी बात सुनकर भगत ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए। जिस दिन तेरी मदद से मेरे सारे काम हो जाएंगे, उस दिन मैं तुझे आजाद कर दूंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ। यह बात सुनकर जिन कहता है, बोल, मैं तेरी क्या मदद करूँ? तब भगत कहता है, इस लड़की के ऊपर जिस चुड़ैल का साया है उसे खत्म कर। तो जिन कहता है, मैं इसका उपाय बताता हूँ। जिन एक ताबीज निकालता है और कहता है, इस ताबीज को इस लड़की को पहना देना, लेकिन याद रहे, इस ताबीज को पहनना जरूरी है, लेकिन किसी के मरने पर या किसी के पैदा होने पर यह ताबीज घर के मंदिर में रखा जाए और वापस आकर नहा धोकर इस ताबीज को पहने, और जब इसकी शादी हो तब अपने पति के कमरे में जाने से पहले ताबीज को उतार कर मंदिर में रख दे, और अगली सुबह नहा धोकर फिर से पहने। अगर ये ऐसा करेगी तो इसे कुछ नहीं होगा। भगत वह ताबीज लड़की को पहनाता है, जिससे उस लड़की के अंदर का साया भस्म हो जाता है और वह ठीक हो जाती है। कुछ महीनों बाद सरिता की शादी हो जाती है। विदाई के समय जब वह सबसे गले मिल रही होती है, तभी उसका ताबीज वहीं गिर जाता है। अपने ससुराल पहुंचकर सरिता को पड़ोस के घर में किसी रस्म के लिए लाया जाता है और उसे एक कमरे में बैठा दिया जाता है। सरिता को वहीं बैठाने के बाद सभी लोग रस्म की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सरिता को उसके पति के कमरे में भेजा जाता है। उसका पति उसका घूंघट उठाने ही वाला होता है, तभी सरिता बोलती है, मेरा घूंघट मत उठाओ। उसकी आवाज बदली हुई थी और वो गुर्रा रही थी। तभी उसका पति बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है तू? तभी सरिता अपना घूंघट उठाती है और उसका चेहरा बदला हुआ होता है और उसकी आंखें काले और नीले रंग की होती हैं, और वह अपने पति से कहती है, अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की तो मैं अपने पति और घर वालों को बुला लूंगी। तभी उसका पति बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है तेरा पति? तेरी शादी तो मुझसे हुई है। तभी सरिता कहती है, तेरे पड़ोस के घर में रहती हूँ मैं, मेरा पति भी वही है। और इस तरह वह सभी अपने घर वालों के नाम बताती है। यह सुनकर उसका पति हैरान हो जाता है, क्योंकि सरिता कभी भी उस तरफ नहीं आई हुई थी, तो उसको सबके नाम कैसे पता चले। सरिता के ससुराल वाले उसके घर वालों को फोन करते हैं और सारी बात उसके घर वालों को बताते हैं। सरिता के घर वालों को समझते देर नहीं लगती कि फिर से उसके ऊपर किसी का साया आ गया है, और वह भगत के पास जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। भगत जिन को बुलाता है और उसे कहता है, उस लड़की को ठीक कर दे। जिन कहता है, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक ही बार ठीक कर सकता था। यह सुनकर भगत कहता है, ठीक है, लेकिन इतना काम कर कि बस तू 2 दिनों के लिए उसकी रक्षा कर, क्योंकि मैं 2 दिनों तक पूजा पाठ करूंगा और उसके बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगा। जिन भगत की बात मान लेता है और 2 दिनों तक सरिता की रक्षा करता है। 2 दिन बाद भगत सरिता के ससुराल पहुंचता है और सरिता को बिठाकर उसके चारों तरफ गोला बनाता है और अपनी पूजा पाठ शुरू कर देता है। शरीर के अंदर रूहानी ताकत को बुलाता है और उससे पूछता है, वह क्यों इस लड़की के साथ है? वह रूहानी ताकत आती है और कहती है, यह मेरे कमरे में बैठी हुई थी जहाँ मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इसकी हल्दी की खुशबू ने मुझे इसकी ओर खींच लिया, तब से मैं इसके साथ हूँ।